CIA, मोसाड और रॉ, ये दुनिया की वो सीक्रेट एजेंसीज हैं जिनका दुनिया भर में बोलबाला है। इसमें ऐसे जासूस शामिल किए जाते हैं जो अपने से पहले देश को आगे रख सकें और दुनिया भर में फैले अपने दुश्मनों पर अच्छे से निगरानी रख सकें। लेकिन इनके अलावा दुनिया में एक ऐसी एजेंसी भी है जिसके बारे में कम ही बात दुनिया में की जाती है। चाइनीज सीक्रेट एजेंसी वो एजेंसी है जिसका मीडिया या इंटरनेट में नाम कम ही लिया जाता है। जबकि दुनिया भर में इंटेलिजेंस की शुरुआत एक चाइनीज मिलिट्री जनरल ने ही शुरू की थी। सुन ज़ू वो आदमी है जिन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर जैसी वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक बुक लिखी थी, जिसको आज भी हर देश का सीक्रेट सर्विस एजेंट जरूर पढ़ता है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे सुपर पावर देश की जिसकी सीक्रेट एजेंसी इतनी गुप्त क्यों रखी जाती है। क्या है इस एजेंसी का नाम और काम और क्या क्या ऑपरेशन ये दुनिया में कर चुके हैं। देखिए, आपने सुना ही होगा कि हर देश में एक स्पेसिफिक सीक्रेट एजेंसी होती है जो सारा काम देखती है और ये ऑटोनॉमस होती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चीन के लिए जासूसी का काम देखते हैं तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स। पहला पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट, ये चीन की सेना का इंटेलिजेंस विंग है। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जिसे MSS के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी यानी MPS। ये वो सारी एजेंसीज हैं जो चाइना में अलग अलग काम करती हैं। जैसे कि PLA, ये चीन की फौज है और ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती है। हालांकि PLA का काम सिर्फ देश को प्रोटेक्ट करने तक सीमित नहीं है। PLA का जनरल स्टाफ डिपार्टमेंट विंग चाइना के अंदर और दूसरे देशों में जासूसी भी करता है। इसके साथ ही ये देश के बाहर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए हर देश में बनी अपनी एम्बेसी का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो काम अमेरिका के लिए CIA और FBI करती है, वैसे ही कुछ काम MSS चाइना के लिए करता है। इसे एक तरह से FBI और चाइना का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। FBI वो एजेंसी है जो अमेरिका में लॉ एनफोर्समेंट को देखता है, वो ज्यादातर सीरियस क्राइम्स को ही देखता है। जबकि CIA वो सीक्रेट एजेंसी है जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है। जबकि MSS, यहाँ पर ये दोनों काम करती है। MSS पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्मगलिंग और फॉरेन कंट्रीज में रह रहे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के आलोचकों को परेशान करने के आरोप भी लगते रहते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी यानी MPS साल 1983 में आया, जब चाइना ने अपनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसे वहां पर CID भी कहा जाता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मर्ज कर दिया था। ये एजेंसी मेनली चाइना में एक्टिव है और इसमें 1,00,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। MPS का ज्यादातर फोकस अब देश के अंदर ही रहता है। ये क्राइम कंट्रोल और सीक्रेट पुलिस के जरिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। पुलिस भी इनके अंडर ही आती है, लेकिन तीन एजेंसी होने के बावजूद इनमें बहुत सारी खामियां भी हैं। इन तीनों एजेंसियों के बीच में कोई भी प्रॉपर काम का बंटवारा नहीं है। जैसे कि अगर भारत की एजेंसी के बारे में बात करें तो उसके पास दो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, और इसकी मेन जिम्मेदारी है कि देश के बाहर से इंटेलिजेंस इनपुट को कलेक्ट करना। जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, उसका काम है देश के अंदर खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, और इन दोनों के बीच तालमेल भी है। मगर चीन में ऐसा नहीं है, वहां तीनों एजेंसियों का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका काफी खराब है। इसका मेन रीजन है वफादारी, जो कि चाइनीज सर्विसेज में वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल प्रेसिडेंट के लिए बहुत जरूरी है। और इसी वफादारी के चलते चीन में जब कोई नया व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, तब सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक के ऑफिसर्स को बदल दिया जाता है और अपने लोगों यानी वफादार को उन पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सीक्रेट सर्विसेज के ऑफिसर्स और चीफ को अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो सिर्फ देशभक्ति से काम नहीं चलेगा, उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसके प्रति सत्ताधारी भी दिखानी होगी। इसलिए इन एजेंसीज में काफी ज्यादा करप्शन नजर आता है और आधे से ज्यादा पैसा अपनी पोस्ट बचाने में जाता है, जिस वजह से हर एजेंसी अपने तरीके से काम करना चाहती है और ऊपर बैठे मालिक को खुश करना चाहती है। इसके अलावा एक और रीजन है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चीन एक वन पार्टी स्टेट है, माने वहां सिर्फ एक पार्टी का शासन है। 1949 से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही राज करती आई है और वहां का सिस्टम कुछ ऐसा कि सरकार से ज्यादा ताकत पार्टी के पास है। इसलिए पार्टी के लीडरशिप को हमेशा एक बात सताती आई है कि कहीं उनकी सत्ता ना चली जाए और कोई विद्रोह ना हो जाए या फिर किसी भी तरह का तख्ता पलट जैसी सिचुएशन ना बन जाए। इसी वजह से चाइनीज आर्मी PLA चाइना की सेना नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है।
इसके साथ ही चीनी सत्ता का फोकस इस बात पर भी है कि दुनिया के दूसरे देश और उन देशों में रहने वाले चीनी नागरिक कहीं चीन में सत्ता परिवर्तन की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी वजहों से चीन में इंटेलिजेंस एजेंसी का ज्यादातर फोकस बाहर के बजाय देश के अंदर क्या हो सकता है उस पर रहता है। इसी कारण उनका ज्यादातर फोकस इंटरनल पॉलिटिक्स या अपने लोगों पे ही होता है, जिस वजह से वहाँ के एजेंसीज एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाती है। इसलिए ही कई जगह चाइना के काफी सारे सीक्रेट एजेंट्स दुनिया भर में पकड़े जा चुके हैं। साल 2022 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट ने दिल्ली में रह रही एक चीनी जासूस को मजनू का टीला से पकड़ा था। उस महिला के पास पहचान पत्र थे जिनमें उसका नाम डोलमा लामा था और उसमें उसका पता नेपाल की राजधानी काठमांडू लिखा हुआ था, जबकि पुलिस का कहना था कि महिला की पहचान साय रुओ के रूप में की गई और वो चीन के हायान प्रोविंस की मूल निवासी थी। इसके अलावा जब पुलिस ने उसके बैकग्राउंड चेक के लिए फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से संपर्क किया तो पता चल गया साहब कि वो एक चीनी नागरिक ही है जो 2019 में भारत आई थी। साल 2024 में भी ऐसी ही एक और व्यक्ति पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में। भारत नेपाल सीमा पर सिद्धार्थनगर चौकी में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया और उस पर जासूसी में लिप्त होने का संदेह था। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 10 मई को अवैध रूप से राज्य में प्रवेश करने के आरोप में यू फेंगहाओ को गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल फोन को जब चेक किया गया तब फोरेंसिक जांच में कई सारी स्पाइंग एक्टिविटीज दिखाई दी। इसके साथ ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि आरोपी के मोबाइल फोन से प्राप्त डेटा से उसके चीनी सेना से जुड़े होने का संकेत भी मिलता है। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ियों की तस्वीरें और भारत के दुश्मन माने जाने वाले देशों की यात्राओं के सबूत भी सामने आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइनीज सीक्रेट सर्विस एजेंसी पूरे तरीके से खराब है, वो भी पूरी प्लानिंग से ही चलती है। चाइनीज आर्मी दो तरीके से जासूसी करती है। पहला है इकोनॉमिक यानी आर्थिक जासूसी। आर्थिक जासूसी में सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को अवैध तरीके से हासिल किया जाता है ताकि किसी भी देश या कंपनी को प्रतियोगिता में बढ़त ना मिले। दूसरी है ट्रेडिशनल या पारंपरिक जासूसी। पारंपरिक जासूसी में कई तरीकों का इस्तेमाल होता है, जैसे साइबर जासूसी जिसमें टेक्निकल साधनों का उपयोग करके जानकारी चुराई जाती है। इसमें बड़े पैमाने पर साइबर हमले करना, संस्थानों और अधिकारियों के गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करना और इसके अलावा घुसपैठ यानी जासूस किसी संगठन में घुसकर उसकी ताकत और आकार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है। अब खुफिया जानकारी की डिमांड अलग अलग है तो स्वाभाविक है कि इनकी कीमत भी अलग अलग होगी और हर बार कीमत पैसे ही हो ये जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति चार कारणों से जासूसी करता है साहब, जिसमें आता है MICE, जिसमें M यानी मनी, I आइडियोलॉजी, C यानी कोरेसन या दबाव, इसे दबाव भी कहा जाता है, जैसे ब्लैकमेल करके जासूसी करवा लेना, और E माने ईगो यानी कोई व्यक्ति अपना बदला पूरा करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी का काम करता है। लेकिन चीनी एजेंसियां बाकी देशों से इसमें कोसों आगे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार जानकारी इकट्ठा करने के लिए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का इस्तेमाल करती है। ये ऐसा तरीका है जिसमें सभी को शामिल किया जा सके, माने वो लोग जो MICE के जरिए नहीं जुड़ पाए। चीन की स्ट्रेटेजी को बी वेयर कह सकते हैं, यानी बी फॉर बिजनेस यानी व्यापार, ई फॉर एथनो नेशनलिज्म माने चीनी अस्मिता, W फॉर वेल्थ यानी पैसा, और A फॉर एकेडमिक एडवांसमेंट यानी एकेडमिक तरक्की, और R फॉर रिप्रेशन यानी दबाव, और E फॉर इमोशनल बॉन्ड माने जासूसी के लिए चीन व्यापारिक तरक्की का एम्बिशन यानी चीनी अस्मिता की फिक्र, पैसों की भूख, अकादमिक जगत में तरक्की की आशा और दबाव जैसी चीजों का फायदा उठाता है। इस वजह से संस्थाओं में करप्शन के बाद भी काम नहीं रुकता। ये सिस्टम कितना दमदार है इसे कुछ उदाहरण से समझा जा सकता है। देखिए आज के जमाने में AI से जुड़ी बेस्ट टेक्नोलॉजी जिनके हाथ लग जाए उसकी तो चांदी हो जाएगी, और इसी के समझते हुए साल 2019 में लिनवे डिंग नाम के एक व्यक्ति ने गूगल ज्वाइन किया था। इसके बाद इस पे आरोप लगे थे कि इसने गूगल AI के 500 डॉक्यूमेंट्स चीनी कंपनीज को बेच दिए, बदले में उसे कंपनी में चीफ टेक्निकल ऑफिसर का पद मिल गया। चीन बिजनेस के जरिए बड़े पैमाने पर डेटा और खुफिया दस्तावेजों को लीक करवाता है और उनके रिसर्च के मुताबिक आर्थिक जासूसी के 64% केसेस में एजेंट्स का मकसद व्यापारिक तरक्की था, जैसा हमने गूगल के केस में देखा। दूसरा है एथनो नेशनलिज्म। साल 1952 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध चल रहा था। नॉर्थ कोरिया की तरफ से थे चीन और सोवियत रूस, और जबकि साउथ कोरिया की ओर से अमेरिका और उसके साथी थे।
युद्ध के बीच में कुछ सैनिक पकड़े जाते हैं, उनका इंटेरोगेशन किया जाता है। उस इन्फॉर्मेशन को अमेरिकी सेना ने माना तो युद्ध में अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति ने चीन के सिपाहियों के स्टेटमेंट को ट्रांसलेट अंग्रेजी में किया वो एक चीनी एजेंट था और उसने ट्रांसलेशन के समय जानकारी बदल दी। एक उदाहरण अकेडमिक तरीके का भी देखें तो जून 2024 में एक अमेरिकी यूट्यूबर ने बताया कि चीन कई बार अकेडमिक जगत के कई बड़े प्रोफेसर, रिसर्चर या साइंटिस्ट से खुफिया तकनीकी जानकारी निकलवाने के लिए अपनी फेमस यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े पद ऑफर करता है। चीन की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन विश्वविख्यात है, ऐसे जगहों पर बड़ा पद मिलने से उनकी करियर ग्रोथ होती है। रिप्रेशन भी चीनी एजेंसियों को एक काफी पॉपुलर तरीके में से एक है। दबाव और धमकी एक ऐसा तरीका जो चीन विदेशों में विरोधियों या फिर वहां रहने वाले या व्यापार करने वाले विदेशी लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए इस्तेमाल करता है। कभी कभी तो ये दबाव बहुत ही सूक्ष्म होता है, जैसे कि ना मानने पर मुश्किलें आने का इशारा, लेकिन कभी कभी ये सीधा और खुला होता है। जैसे कि 2019 में चीन ने जूम ऐप, जो कि एक वीडियो सेवा है, उसने वो अपने यहाँ पर बंद कर दी थी क्योंकि जूम ने चीन के अधिकारियों को अमेरिकी विरोधियों की निगरानी के लिए एक्सेस नहीं दिया था। ये चार उदाहरण चीन की ह्यूमन इंटेलिजेंस को दर्शाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस माने लोगों की मदद से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। चीन ने लगातार एक और जासूसी के तरीके पर जोर दिया है, वो है साइबर इंटेलिजेंस। इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि साइबर इंटेलिजेंस ट्रेडिशनल जासूसी का एक तरीका है। फरवरी 2024 अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि PLA, MSS और MPS प्राइवेट साइबर कंपनियों को पैसा दे रही हैं और दूसरे देशों की सरकारी संस्थाओं से डेटा चुराने के लिए, ताकि उसके जरिए वहां की आबादी पर कंट्रोल किया जा सके। इसी रिपोर्ट में दावा भी था कि चीन की एक म्यूनिसिपलिटी ने सिर्फ 12.5 लाख में वियतनाम ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट को हैक करवा लिया। कि एक लाइन में कहें तो इसे साइबर सुपारी भी कहा जा सकता है। भारत पर भी कई बार चीन ने साइबर अटैक के जरिए जासूसी की कोशिश की है। कई बार सरकारी संस्थाओं पर साइबर अटैक की खबरें आती रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में चीन के हैकर्स ने भारत के 7 पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर साइबर अटैक करने की कोशिश की। हालांकि इस पर सरकार ने बताया कि चीनी साइबर अटैक फेल हो गया था। ऐसी कई खबरें दुनिया भर में चाइना के खिलाफ आती रहती हैं और ये माना भी जा रहा है कि चाइना जल्द ही साइबर इंटेलिजेंस को और ज्यादा बढ़ावा देने वाला है, जिसके दम पर वो और ज्यादा डेटा दुनिया भर के देश को ला पाएगा। तो दोस्तों, ये चाइना और उसकी सीक्रेट एजेंसी का पूरा राज है जो दुनिया से छिपाना चाहती है। क्या भारत को भी अपनी साइबर इंटेलिजेंस बढ़ा देनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।